Hello everyone, today we'll take some important and smart questions based on surface area and volume. Indirectly you can say today I'm going to cover questions based on mensuration. उससे पहले मैं एक बार छोटा सा recap लेना चाहूँगी कि हमने दो तरह के figure पढ़े, 2D figures and 3D figures. 2D means two dimensional, जिनमें length होता है और breadth होता है. Like we have learned square, rectangle, parallelogram, triangle, etc. etc. ये सारे जो फिगर हैं ये प्लेन पे इजीली प्लॉट किए जा सकते हैं और इनकी लेंथ होती है और ब्रेथ होती है. फिर हमने उसके बाद फिगर्स पढ़ी जो होते हैं 3D फिगर, थ्री डायमेंशनल फिगर. थ्री डायमेंशनल से यहाँ पर मीनिंग होता है जिनकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है एंड एज वेल एज उसमें हाइट फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है. उसके लिए मैंने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी लिए थे. लाइक आई हैव अ 52 कार्ड्स, तो सिंगल जब मेरे पास कार्ड है तो इट्स इन शेप ऑफ रेक्टेंगल, पर जब कार्ड के ऊपर कार्ड के ऊपर कार्ड के ऊपर कार्ड रख के हम एक स्टैक फॉर्म करेंगे और यू कैन से एक बंडल बनेगा कार्ड्स का, तो हाइट हो जाएगी उसकी. सिमिलरली हमने कॉइन का एग्जांपल भी लिया कि हमारे पास एक सिंगल कॉइन है तो इट्स इन सर्कल शेप, 2D शेप है. बट सर्कल के ऊपर सर्कल मीन्स कॉइन के ऊपर कॉइन के ऊपर कॉइन रखें हम, कैरम्स के कॉइन है या हमारे नॉर्मल करेंसी कॉइन्स हैं, जब हम उनको रखते हैं तो एक सिलेंडर फॉर्म हो जाएगा. तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएंगे. दैट्स वाई यू यूज टू कॉल थ्री डायमेंशनल फिगर. ठीक है, ये हमने रिकैप लिया. फिर हमारे पास कुछ फॉर्मुलेज होते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं फॉर्मुले आपको रिवाइज कराती जाऊंगी. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ले रहे हैं, हम मिक्स क्वेश्चन लेंगे. इसमें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर सब कुछ कवर होगा, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन जो रहेंगे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड रहेंगे, आप उसको रिलेट कर सकते हैं आपकी डे टू डे लाइफ से. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, थ्री इक्वल क्यूब्स, थ्री इक्वल क्यूब्स आर प्लेस्ड एडजेसेंटली इन अ रो. फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, यहां पर मेंशन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूबॉइड, न्यू क्यूबॉइड टू दैट ऑफ द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ थ्री क्यूब्स, ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ थ्री क्यूब्स. इसको आप एक्सपेरिमेंट करके भी कर सकते हैं. वी हैव थ्री क्यूब्स, क्यूब हम फॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्यूब का हम सिर्फ एक पार्ट ले रहे हैं. क्यूब इज ऑलवेज बेस्ड ऑन स्क्वायर. मान लीजिए हमारा एक क्यूब है, एक्चुअली क्यूब जो होगा वो हमारा ऐसा होगा, बट हम पूरे फॉर्म नहीं कर रहे हैं. थ्री डायमेंशन फिगर जो होते हैं इसको बनाना, प्लॉट करना, डायग्राम बनाना थोड़ा सा टफ होता है. क्यूब का हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, दिस इज क्यूब एंड थ्री क्यूब को वो ज्वाइन कर रहे हैं. तो सबसे पहले इनकी जो हाइट है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक साथ थ्री ज्वाइन होंगे तो एक डायमेंशन इनका जो है वो एड अप हो जाएगा, थ्री का मिक्सचर हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारा डायग्राम होगा. क्यूब जो है उसकी साइड जो होती है सारी सेम होंगी बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन स्क्वायर. तो ऑल साइड्स ऑफ क्यूब लेट से ए, तो हम लिखेंगे दिस, लेट द साइड ऑफ द क्यूब sides of cube equals to a centimeter means सारी साइड जो है वो a है. ठीक है, ये सिंगल क्यूब है, तो अब ये तीन ज्वाइन हो रहे हैं तो एक इनकी जो डायमेंशन है वो चेंज होगी. सबसे पहले हम देखें लेंथ क्या होगी, a प्लस a प्लस a. वाई, बिकॉज इस क्यूब में एक और क्यूब ऐड होगा और एक और क्यूब ऐड होगा, तो मीन्स एक क्यूब की लेंथ कितनी है, ए, अनदर वन इज ए एंड थर्ड वन इज ऑल्सो ए, तो ऑल थ्री विल एड अप एंड इट विल गिव अ रिजल्ट 3a
सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या मिला, क्यूब की लेंथ मिल गई। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² सेंटीमीटर स्क्वायर, और a ही साइड है तो हमें कोई वैल्यू तो दिया ही नहीं है, तो यही एरिया रहेगा। नाउ अब न्यू क्यूबॉइड बना, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड वो चेंज हो जाएगा। पहली बात तो क्यूब से क्या बन गया, अब वो क्यूबॉइड। व्हाई इट इज क्यूबॉइड, बिकॉज थ्री क्यूब्स आर एडिंग, जब तीन क्यूब ज्वाइन हुए तो उनकी एक लेंथ जो है वो डिस्टर्ब हुई, कुछ चेंज हुई, तो क्यूबॉइड क्या होता है, जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट अलग अलग होती है। इट इज बेस्ड ऑन रेक्टेंगल, क्यूबॉइड जो फिगर होगा वो रेक्टेंगल पे बेस्ड होगा, जबकि क्यूब जो फिगर होता है इट इज बेस्ड ऑन स्क्वायर, इसलिए उसकी सारी साइड क्या थी, सेम थी। ठीक है, तो अब हम क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे, क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, दिस इज सिंपल फॉर्मूला। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 LB, L हमारा कितना हो चुका है 3A, एंड अनदर वन इज A प्लस बी एच, बाकी साइड तो हमारी वही है, एंड ये हो गया लास्ट वन, मीन्स L जो है उसकी प्लेस पे हमने वैल्यू एच एल, L की प्लेस पे हमने क्या रख दिया 3A सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2A मल्टीप्लाई होके 3A² प्लस A² प्लस 3A² तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 7A² मीन्स 14A² एंड एरिया है तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, तो हमारे पास क्या आ गया, क्यूबॉइड का एरिया आ गया विच इज इक्वलेंट टू 14A² एंड क्यूब का जो एरिया था इट वॉज 6A². अब हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, व्हाट दे सेड, व्हाट दे आस्क्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड टू द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ थ्री क्यूब्स, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड देंगे, रेशियो निकालना है हमें। मैं यहां पर थोड़ा सा रब करूंगी, तो हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड रेशियो, रेशियो टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड अपॉन सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ थ्री क्यूब्स। मुझे इसको भी रब करना होगा, क्लियर नहीं दिख रहा है ये, अगेन आई एम राइटिंग फॉर्मूला, इतना पार्ट में रब कर देती हूं। दे हैव आस्क्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड, तो हमारे यहां आ जाएगा TSA ऑफ न्यू क्यूबॉइड होल अपॉन द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ थ्री क्यूब्स, सम, ठीक है, हमने अभी केवल एक ही एरिया लिखा है, सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ थ्री क्यूब्स। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड हमारे पास है 14A². नाउ सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ थ्री क्यूब, एक क्यूब का सरफेस एरिया कितना था 6A², तो तीन का कितना होगा 6A² प्लस 6A² प्लस 6A², सो फाइनली इट विल गिव 14A² अपॉन 18A², इस सॉल्व होके हमारे पास आएगा 7/9, मीन्स इसको रेशियो के फॉर्म में हम लिखेंगे 7:9। ठीक है, क्वेश्चन वॉज सिंपल बट इट वॉज लॉजिकल, तीन चीज हमने जब एक साथ जोड़ी तो ऑब्वियस है उनकी कोई लेंथ या हाइट जो है वो चेंज हो जाएगी, जो भी प्रीवियस थी उससे वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको हमने एक के ऊपर एक पुट किया है, आइदर इन दिस वे और इन दिस वे। ठीक है, तो इस वे में किया तो लेंथ जो है वो चेंज हो गई, क्यूब की जो लेंथ थी इट वॉज ए एंड आफ्टर एडिंग थ्री क्यूब्स द लेंथ इज 3A, सिंपल 3A लेके हमने क्यूबॉइड का एरिया निकाला। क्यूबॉइड क्यों हो गया वो क्यूब से, बिकॉज थ्री क्यूब्स जब एड होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, क्यूबॉइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये मिलके
रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं और रेक्टेंगल पे बेस्ड जो थ्री डायमेंशनल फिगर बनता है दैट इज क्यूबॉइड। हमने सरफेस एरिया निकाल लिया, उसके बाद हमें क्या कहा था कि रेशियो निकालना है और रेशियो भी कहा था न्यू क्यूबॉइड एंड सम ऑफ थ्री क्यूब्स। तो हमने तीनों क्यूब का एरिया जो है वो ऐड करा, देन उसको कैंसिल करके जो हमारा फाइनल आंसर आया इट इज 7:9।